नमस्कार बच्चों, चलो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनवर्स रिगो की काफी सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे। अच्छा एक बच्चों, एक मिस्टेक हुई थी क्या? हम लोगों ने लिया था भाई, एक क्वेश्चन किया था कुछ बच्चों का, मेरे पास आया, मुझे ध्यान नहीं रहा यार। ठीक है, सॉरी उस चीज के लिए। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू प्लस, और क्या था, साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू। ठीक है, माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाई टू। तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, इसका क्या बनाया था हमने, पाई बाय फोर। ठीक है, और इसका क्या बनाया था हमने, माइनस वन बाई टू था ना, ये माइनस वन बाई टू था। तो भाई माइनस वन बाई टू कितने पे होता है, माइनस वन बाई टू होता है ये कितने, 60 पे। तो इसका बनाया था हमने पाई माइनस पाई बाय सिक्स, यही बनाया था। ठीक है, और इसका, हाँ भाई, साइन की वैल्यू माइनस वन बाय टू कितने पे होती है, माइनस के पाई बाय किस पे, सिक्स पे। तो बच्चों यहां पे ना मैंने इसको सॉल्व करके टू पाई बाय थ्री लिख दिया था, लेकिन नहीं बच्चों, हमें ना माइनस पाई बाय सिक्स ही लेना था। रीजन, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि साइन का रेंज तो भाई माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में ही होता है। ठीक है, और जब इसके देखो, माइनस पाई बाय टू क्या होता है, माइनस 90, और पाई बाय टू क्या होता है, 90, और ये क्या है, माइनस का 30। तो भाई इसके बीच में तो होएगा ही ना, तो इसलिए यहां पे हमने जो सॉल्व किया था वो मेरे से गलती हुई थी। ठीक है, तो इसको सही कर लेना, ये आ जाएगा आपका फाइव पाई बाय सिक्स, और ये माइनस का पाई बाय सिक्स। ठीक है, ये पाई बाय फोर प्लस क्या था भाई, ये हो जाएगा फोर पाई बाय सिक्स। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, टू थ्री पाई बाय फोर प्लस टू पाई बाय थ्री, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना, 3, 3 पाई, और इसे काटोगे 4, नहीं 8 पाई, 11 पाई बाय 12। ये भी कुछ गलती कर दी, यहाँ पे कुछ गलती की है, एक मिनट रुको 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 रुको, यहाँ पे कुछ गलती की है। यहाँ पे क्या था, कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू, हाँ जी, कॉस माइनस वन बाय टू कितने पे होता है, ये होता है 60 पे। ओ सॉरी, पाई बाय थ्री आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, पाई बाय थ्री आएगा। ठीक है, अब ठीक है, तो ये जाएगा टू पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स, अब हो जाएगा ना, अब तो 12 एलसीएम आ गया। कटेगा 3 पाई, कटेगा कितना, 4 4 2 8 पाई, और ये कितना आ जाएगा, 2 पाई। तो कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो, ये हो जाएगा 8 और 3, 11, 11 में से 2 गया, 9 पाई बाय 12, और किससे काट दोगे, 3 से, 3 और 4, तो आंसर आ गया 3 पाई बाय 4, ये आएगा। ठीक है, यहाँ बच्चों पाई बाय थ्री लेना, क्योंकि 1 बाय 2 तो 60 पे होता है ना कॉस। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, लगे हाथ, एक क्वेश्चन और देखो। एक क्वेश्चन है, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये कौन है, टेन इनवर्स रूट थ्री। ठीक है, टेन इनवर्स रूट थ्री, सबके रेंज तो आपको पता ही होंगे। देखो मैं, ठीक है, रेंज तो आपको सबके पता ही होंगे, मैं बुक अपने पास ओपन रखता हूं। ये देखो, बुक मैं अपने पास ओपन रख रहा हूँ भाई, जिसमें आपको रेंज याद ही रखनी है हर समय। ठीक है, चलो, ठीक है जी, हाँ जी। अब करेंगे हम क्या, टेन रूट थ्री, अरे टेन रूट थ्री, रूट थ्री कितने पे होता है, 60 पे, तो पाई बाय थ्री। भाई आपको तो पता ही है, टेन में ऑल रियल नंबर बिलोंग्स। ठीक है, चलिए, अब ये है माइनस, अच्छा सेक माइनस का 2। भाई एक बात बताओ, माइनस का 2 कितने पे होता है, सेक माइनस 2 होता है 60 पे, किस पे होता है, 60 पे। तो भाई 60 पे अगर ये है, 60 पे अगर ये है, तो आपको पता ही है ना कि हमेशा सेक की वैल्यू, हमेशा सेक इनवर्स की वैल्यू हमने क्या सीखी है, कि ये किसके, 0 से पाई के बीच में आएगा, बस पाई बाय टू नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पाई बाय टू पॉसिबल नहीं है, बाकी जो एंगल आएगा वो 0 से किसके बीच में आएगा, पाई के। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो भाई ये तो कितना आ रहा है, माइनस का पाई बाय थ्री आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस का पाई बाय थ्री। क्यों, क्योंकि देखो माइनस तो इसका फॉर्मूले का, और पाई बाय थ्री कौन है, पाई बाय थ्री है इसका, जल्दी बताओ कौन, पाई बाय थ्री है इसका 60 डिग्री, क्योंकि सेक 60 पे 2 आता है, सेक 60 पे कौन आता है, 2। लेकिन बच्चों हमने सीखा है कि सेक का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में, तो क्या 0 से पाई के बीच में कोई माइनस की डिजिट आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे क्या करते हैं, पाई में से माइनस करते हैं। क्या करते हैं, पाई में से माइनस करते हैं, बस हमारा काम खत्म। पाई में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और हमारा काम खत्म। तो क्या कर देंगे भाई यहां पे, जल्दी बताओ, यहां पे पाई में से माइनस करने के बाद, क्वेश्चन तो सही लिखा है ना मैंने, एक मिनट, माइनस का है, माइनस का है,
ठीक है। ठीक है चलो बच्चों। हाँ अब क्या करेंगे, पाई बाय थ्री सॉल्व करो, 3 एकम 3 और 1 2 पाई बाय 3 कैंसिल करोगे। हाँ भाई नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, आंसर माइनस का पाई बाय 3, ये आंसर आ गया। ठीक है तो इस तरीके से करना है, समझ में आई बात? क्या कह रहा था मैं कि हाँ जी पाई बाय 3 क्यों आया, क्योंकि sec 2 पाई बाय 3 पे है। माइनस क्यों आया, क्योंकि आपको पता है एंगल माइनस में चल रहा है। अच्छा अब हमें ये चीज लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि sec की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही रहेगी, तो इसलिए पाई माइनस पाई बाय 3 सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है चलो तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिया, और भी क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन अभी फिलहाल मैं शुरू करवा रहा हूं आपको 3.2। ठीक है और 3.2 के लिए सबसे पहले मैंने कुछ फॉर्मूले जो लिखवाए थे आप लोगों को बहुत सारे, वो एक बार फटाफट मेरी वीडियो पॉज करके उसको एक बार रिवाइज कर लो, मेरी वीडियो पॉज करके एक बार उसे जल्दी से रिवाइज कर लो, फिर आपके सामने मैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराने जा रहा हूं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होएगा अब। चलो करो शुरू। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, एक एक करके सारे क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। ठीक है ये जो मिस्टेक हुई थी इसे सुधार लेना। ठीक है चलो क्वेश्चन क्या है देखो, कह रहा प्रूव, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2.2 का, कह रहा प्रूव 3 sin inverse x = sin inverse 3x - 4x का क्यूब। आपको ये दिया हुआ है और कह रहा है कि x बिलोंग करता है -1/2 से, क्या भाई 1/2 के बीच, क्या करता है -1/2 से 1/2 के बीच। अरे एक बात बताओ मुझे, जब x बिलोंग कर रहा है -1/2 से लेके 1/2 के बीच, तो इसका मतलब होगा क्या? इसका मतलब मैं बताता हूं क्या हो सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हम यहां पर x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करेंगे जिसकी वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। अब जरा देखो, अगर मैं x की वैल्यू साइन थीटा पुट करता हूं, तो जल्दी से रेंज देखकर बताओ क्या साइन थीटा की रेंज इसके बीच में आती है? तो बिल्कुल आती है। रीजन, क्योंकि भाई -π/2 से लेके π/2 के बीच में साइन थीटा है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू आती है। ठीक है और अगर मैं यहां पर लेट कर लेता हूं x बराबर cos थीटा, तो ये आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू तो भैया 0 से पाई के बीच में आती है, जबकि यहां तो माइनस से प्लस तक बोला गया है, और आपको पता ही है cos थीटा की वैल्यू सिर्फ किस में आती है, प्लस में। तो इसलिए बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे भाई, लेट करेंगे क्या कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो थीटा के बराबर है। ठीक है थीटा के बराबर है। ठीक और यहां से आप क्या करो, यहां से आप क्या करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या करो एक्स की वैल्यू निकाल लो, साइन इनवर्स उठा के वहां ले जाओ, क्या बन जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ये मैं चीज सिखा चुका हूं कि भाई जब इनवर्स वाली चीज उधर जाती है तो नॉर्मल बन जाती है। अच्छा तो आप क्या करेंगे भाई, अब कुछ नहीं करना आपको, अब आप यहां पर आ जाओ, अब यहां पर आ जाओ राइट हैंड साइड में, देखना ये चीज अपने आप प्रूफ हो जाएगी। तो बच्चों साइन इनवर्स 3x - 4x³ यही है ना, जल्दी बताओ 3x की जगह पे क्या पुट करेंगे साइन थीटा, 4x की जगह पे क्या पुट करेंगे साइन क्यूब थीटा। अब अगर आपको मैंने 11th के फॉर्मूले याद दिलाए हैं तो मैंने क्या बताया कि साइन इनवर्स 3 sin थीटा, इसको भूल जाओ, 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा किसका फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला होता है sin³ थीटा का। याद आया, याद आया, ये 11th का फॉर्मूला है इसलिए पढ़ लिया करो अगर याद नहीं आया तो। ठीक है और ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं कब, लास्ट क्लास में। तो भाई देखो साइन इनवर्स और साइन आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये यहां पे दिखा रहा हूं काटते हुए, पेपर में नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया कि साइन इनवर्स और साइन एक साथ होंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या 3 थीटा, बचा क्या 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या लेट की थी हमने, जल्दी बोलो साइन इनवर्स एक्स। तो देखो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ हो गया, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। समझ में आई बात कि यहां पे साइन थीटा ही क्यों पुट करना है, क्योंकि वैल्यू माइनस से प्लस तक चल रही है। अब मैं आपको कॉस थीटा भी पुट करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, फिलहाल इसको देखो, फिलहाल इसको करो, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं, एक क्वेश्चन और कराता हूं। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसको नोट करो फिर ये क्वेश्चन। हाँ अब ये देखो, ये है बेहतरीन क्वेश्चन।
हाँ जी, ये क्वेश्चन उतार लिया होगा, नोट कर लिया वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सेम यही है, क्वेश्चन सेम यही है, डिट्टो डिट्टो क्वेश्चन यही है। क्या है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, 3 cos inverse x बराबर cos inverse 4x³ - 3x का स्क्वायर, सॉरी 3x, और x जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां से, 1/2 से लेके 1/1 तक। अब देखो अगर आप x को देखोगे ध्यान से तो दोनों की दोनों वैल्यू किसके बीच में चल रही है, प्लस के बीच में, तो बताइए प्लस के बीच में तो हमेशा क्या चलता है, कॉस। अगर माइनस से प्लस चल रहा है तो क्या रहेगा, साइन, और प्लस से प्लस चल रहा है तो कॉस। बात ही खत्म, बस यहां पे क्या करोगे, लेट करो क्या भाई, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा के बराबर, और कॉस को उठा के वहां ले जाओगे तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा। काम खत्म, राइट हैंड साइड उठाओ। हाँ जी, cos inverse 4x³ - 3x, तो ये रहा cos inverse 4x³ cos³ 3x, कितना है, cos थीटा। हाँ भाई, जिस तरह ये फॉर्मूला sin 3 थीटा का था तो ये फॉर्मूला किसका है, cos 3 थीटा, cos से cos, ठीक है, उठा के फेंक दिया, थीटा, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स, हैंस प्रूव्ड, यही करना था। है नकली क्वेश्चन, चलो नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो फिर अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अब आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन 3.2 का, थर्ड 2.2 का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई tan inverse 2/11 प्लस tan inverse 7/24, प्रूफ करना है tan inverse 1/2 के। अरे बहुत सिंपल, मैंने कल लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या, tan inverse x + tan inverse y किसके बराबर था, अरे याद करो यार, tan inverse x + y 1 - xy, याद आया, बस बात खत्म। क्या ये आपको tan x + tan y जैसा लग रहा है, हाँ जी बिल्कुल लग रहा है, लगा दो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला, tan inverse x कितना है 2/11, y कितना है 7/24, 1 - x कितना है 2/11, ये कितना है 7/24, कोई दिक्कत यहां तक। चलो अब क्या करना है, टेन इनवर्स लगा दिया फॉर्मूला, हाँ जी 24 दूनी 48, 11 सत्ते 77, और 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 4 26, फिर इसी तरीके 1 - 7 दूनी 14, और ये कितना आ जाएगा 264 मल्टीप्लाई होके, ठीक है, टेन इनवर्स 77 और 48, बच्चों कितना होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, हाँ जी 77 और 48 होता है 110 और 15, 125/264, ठीक है, ये 264 64 - 14/264, ठीक है बच्चों, 264 से 264 खत्म, बचा गया टेन इनवर्स 125, और 264 में 14 गए 250, 125 एकम 125, 125 दूनी 250, आंसर क्या आया, टेन इनवर्स 1/2, क्या यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूले बस धड़ाधड़ पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूले पता है ना तब तो उसके बाद तो झंडे गाड़ दोगे, ठीक है। अब देखो यहां मिटाऊं, ठीक है, वीडियो पॉज करके फटाफट इसे नोट करो। अब देखो इसके बाद, देखो इसके बाद का क्वेश्चन भी बहुत नकली सा है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, फिर से कह रहा प्रूफ करो, क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ करो, 2 tan inverse 1/2, ठीक है, प्लस tan inverse 1/7, प्रूफ करना है tan inverse 31/17, यही करना है ना, 31/17। देखो बस क्या है भाई, ये इस टेन इनवर्स के आगे, इस टेन इनवर्स 1/2 के आगे आगे क्या लग गया, 2। तो जरा ध्यान से देखना, मैंने आपको कल एक फॉर्मूला पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि भाई सॉरी, टेन इनवर्स 2 tan inverse x का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बताया था ना, टेन इनवर्स 2x/1 - x² याद आया, ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, ठीक। तो बस ये 2 tan inverse 1/2 है ना, तो लगाओ इसमें फॉर्मूला, जरा टेन इनवर्स 2x की जगह पे 1/2, 1 - x² की जगह पे 1/2 का स्क्वायर, यहां पे ब्रैकेट बड़े वाले लगा लेना, यहां पे लिखना लेफ्ट हैंड साइड,
और प्लस में टेन इनवर्स 1/7। ये फॉर्मूला किस में लगा? 2 टेन इनवर्स 1/2 में लगा फॉर्मूला, किसकी वजह से? इसकी वजह से, ठीक है। और ये क्या बन गया? ये बन गया। चलो जी सॉल्व करो। हाँ जी, 2 से 2 खत्म, बचा टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस टेन इनवर्स 1/7, ठीक है। सॉल्व करो, टेन इनवर्स सॉल्व करोगे, 4 माइनस 1 3/4 बन जाएगा, हां कि ना? ठीक है। अब तुम्हें पता ही है कि जब बटे के नीचे फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो पलट के ऊपर चली जाती है, तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब बताओ जल्दी से, क्या ये आपको 4/3, ये टेन इनवर्स 4/3 टेन एक्स प्लस टेन वाई जैसा लग रहा है? लग रहा है ना? बस जब लग रहा है तो फिर लगा दो फॉर्मूला। हाँ जी, क्या लगेगा फॉर्मूला? टेन इनवर्स एक्स, एक्स कितना है 4/3, वाई 1/7, 1 माइनस एक्स वाई 4/3 और 1/7, लगाओ फॉर्मूला। टेन इनवर्स, हाँ भाई, 7 चौक 28, 3 एकम 3, 7 21, और ये कितना है 1 माइनस में 4 एकम 4, 7 21, करो सॉल्व। हाँ भाई, टेन इनवर्स 28 और 3 कितने होते बच्चों? 31/21, और इसको सॉल्व कर देंगे, 21 माइनस 4/21, 21 से 21 कट गया, टेन इनवर्स 31, 21 में से 4 गए 17, क्या यही प्रूफ करना था? हो गया प्रूफ, है ना नकली क्वेश्चन बिल्कुल। चलो इसे नोट करो फिर अगला, अगला, हाँ अब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 4 करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो तुरंत खत्म हो जाएंगे बच्चों वाले ही। चलो क्वेश्चन नंबर 4 वीडियो पॉज करके फटाफट बस नोट कर लिया करो, ठीक है, नोट कर लिया। चलो अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1 अपॉन एक्स, और कह रहा एक्स बस 0 के बराबर नहीं है, एक्स बस 0 के बराबर नहीं है। पहली बात, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, क्या टेन की वैल्यू, अब ये इसको ना ऐसे लिख लो, यहां पे इसके आगे लिख देना टेन इनवर्स, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ आप सभी, क्या टेन की वैल्यू कभी 0 आती है? आती है, चलिए बोलो, टेन की वैल्यू कभी 0 नहीं आती, पता है ना क्यों नहीं आती? क्योंकि वह इंफिनिटी बन जाता है, ठीक है। लेकिन हमें यह बात पता है कि टेन की वैल्यू, अभी हमने जो रेंज पढ़े थे 2.1 से पहले, हमने जो रेंज पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि रेंज में जितने भी टेन की वैल्यू होती है वो सारे रियल नंबर होते हैं, यही पढ़ा था हमने कि सारे रियल नंबर होते हैं। अच्छा, अब जब सारे रियल नंबर होते हैं तो सीधी सी बात है, अब तुम कहोगे भैया कि 0 भी तो रियल नंबर में इंक्लूड है, लेकिन बच्चे 0 इंक्लूड है रियल नंबर में, मैं मानता हूं, लेकिन क्या टेन की वैल्यू कभी भी 0 हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, तो उस चीज को तो ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दो, हटा दो, तो बचा क्या? ऑल रियल नंबर्स। तो इसका मतलब हम यहां पर x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? tan थीटा, ठीक है, क्या पुट कर सकते हैं? tan थीटा, तो बस बात खत्म, पुट x बराबर tan थीटा, हो जाओ शुरू, tan इनवर्स अंडर रूट 1 + tan²θ - 1 tan θ, देख लो दौड़ गई गाड़ी, tan इनवर्स भाई ये 1 + tan²θ sec²θ होता है कि नहीं होता, जल्दी बोलो, अरे बोल दो, अरे ये बन जाएगा टेन इनवर्स, हाँ भाई स्क्वायर से रूट कटेगा sec θ - 1, और ये क्या बन जाएगा भाई टेन थीटा, ठीक। ओपन करो इसको, ओपन करो, 1 upon cos θ - 1 upon 1 sin θ upon cos θ, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना बस हमें, सॉल्व कर दो इसको, तो टेन इनवर्स 1 - cos θ upon cos θ, ठीक है, और ये क्या, ये क्या बन जाएगा sin θ upon cos θ, ठीक है, cos θ से cos θ खत्म, बचा क्या tan इनवर्स 1 - cos θ upon sin θ, ये बच गया, ठीक है, एक मिनट। हाँ जी बच्चों, तो हमारे पास ये आ गया है, ठीक है, आप देख रहे होंगे।
अच्छा अब बात ये समझ में नहीं आ रही कि यार यहां से 10 तक कैसे पहुंचे। अब हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि यहां से 10 तक कैसे पहुंचे, क्योंकि ये तो समस्या हो गई। तो अब मैं आपको याद दिलाता हूं आपका बचपन 11th क्लास। चलो अच्छा, 11th में आपने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था क्या? जल्दी बता दो। आपने पढ़ा था फॉर्मूला ये, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद है कुछ? याद है आपने ये पढ़ा था क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अच्छा और क्या पढ़ा था आपने? और एक पढ़ा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था जल्दी बोलो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद आया? एक ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो बच्चों एक मेरे को सिंपल सी बात बताओ, अगर ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा उठा के मैं यहां पे ले आता हूं और ये cos 2 थीटा प्लस का उधर उठा के ले आता हूं, तो इसका रूप रंग आपको देखने में कुछ इसकी तरह लग रहा, 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब कहोगे लेकिन भैया सेम तो नहीं है ना, तो कोई बात नहीं यार, मैंने क्या बताया था, ये कौन से फॉर्मूले होते हैं, ये हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं। हाफ बोले तो क्या, 2 थीटा है तो 1 थीटा दिखाई देगा, 3 थीटा है तो 3/2 दिखाई देगा, 1 थीटा है तो थीटा बाय क्या दिखाई देगा, 2। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्या कोई दिक्कत? अच्छा इसी तरीके से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने सीखा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूले में यही था। तो अब एक बार बताओ, जब यहां पे 2 थीटा है तो सिंगल सिंगल आ गया, अगर 1 थीटा होता तो क्या आता, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। तो ये बन जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, कोई दिक्कत? अब देखो 2 से 2 कटा, 1 साइन से 1 साइन कटा, बचा क्या, टेन इनवर्स साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। और आप अच्छे से जानते हो कि भाई साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा बाय 2। अच्छा और हमने फॉर्मूलों के तहत क्या सीखा है कि बच्चे टेन इनवर्स और टेन आपस में कट के बन क्या जाएंगे, थीटा बाय 2। और थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, कैसे देखो जरा, कैसे निकाल सकते हो, ऐसे कि भाई टेन जो है उठा के वहां ले जाओ, तो टेन जब उठा के वहां ले जाओगे तो किस चीज का हो जाएगा, इनवर्स का, हाँ कि ना? तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स एक्स। तो यहां पर लिखोगे 1/2 और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स। आंसर ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ये क्या है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। पल्ले पड़ी भाई, ये देख लो, आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो भाई थोड़ा बहुत पढ़ के चलने ही पड़ेंगे, वरना भाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा तो करो, ये बिल्कुल घबराओ मत कि अरे सर ये क्या दे दिया आपने, इतना ये है वो है, तो थोड़ा सा घबराओ मत, करना शुरू करो, ठीक है। ये चैप्टर भले ही बहुत छोटा है लेकिन इसके अंदर ना कंटेंट बहुत सारा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है, हाँ ये है थोड़ा अलग किस्म का, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग किस्म का है, तो इसको ही बोल रहा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहां तक तो उतार ही लिया होगा सभी बच्चों ने, ठीक है। वैसे तो वीडियो पॉज करके भाई देखो तुम सारा उतार सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके सारा उतार सकते हो। ये क्वेश्चन और देख लो, ये क्वेश्चन और देख लो, लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1/ में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और मोड की वैल्यू 1 से बड़ी, किससे बोल रहा है, 1 से बड़ी। तो बच्चों एक्स की वैल्यू हमें 1 से बड़ी रखनी है, एक्स की वैल्यू हमें 1 से क्या रखनी है, बड़ी। अच्छा 1 से बड़ी सिचुएशन कब आ सकती है मुझे इतना बता दो, 1 से बड़ी की सिचुएशन कब आ सकती है? तो भैया फटाफट जल्दी जाके आप लोग रेंज चेक करो, अगर आप लोग फटाफट रेंज चेक करोगे तो आपको रेंज में ये दिखाई देगा, रेंज में आपको ये दिखाई देगा कि आपने, देखो मैं बताता हूं रेंज में आप क्या क्या आपको दिखेगा इसमें। हाँ तो आप क्या देखेंगे कि रेंज के अंदर जो वैल्यू है ऐसी कुछ ही वैल्यू हैं जिनकी वैल्यू जीरो, यानी आपको किससे, 1 से बड़ी मिल जाएगी, किससे बड़ी मिल जाएगी, 1 से बड़ी। कौन कौन सी वैल्यू है देखो बच्चों, एक आपके कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये चार ऐसी वैल्यू हैं जिनको आप, जिनमें आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, 1 से बड़ी मिल जाएगी। लेकिन बच्चों बात आती है ये
कि मुझे तो यहां पे किसी भी हाल में इसको यहां से हटाना होगा ताकि भाई मेरे को सिंपल फॉर्म में मिल चुके। तो हमें वन से बड़े करना है ना, तो वन से बड़े में हम कैसी कंडीशन ला सकते हैं भाई, हम वन से बड़े में टेन की कॉस की सॉरी टेन की कॉट की सेक की और कॉसेक की इसकी वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन साइन की और कॉस की वन से बड़ी वैल्यू नहीं ला सकते। तो इसका मतलब हमें यहां पर जरूर कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो टेन सेक कॉसेक और कॉट के बीच में हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये बताओ ये क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन कंडीशन दो ही की बनाता है। ठीक है, किसकी बनाता है कंडीशन भाई, अगर मैं यहां पे मान लो कॉट थीटा पुट कर देता हूं तो बनेगी कंडीशन बिल्कुल कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन नहीं बनेगी। अगर मैं यहां पे कॉसेक स्क्वायर पुट करता हूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो भाई ये तो एक वैल्यू बनती है बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, पुट एक्स बराबर कॉसेक थीटा, हम क्या पुट कर देंगे कॉसेक थीटा। अच्छा क्यों पुट कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखो, जब मैं यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा पुट करूंगा तो जल्दी बता दो, आप लोगों ने आइडेंटिटी वाले फॉर्मूला तो पढ़ रखा है ना कि भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। आइडेंटिटी के फॉर्मूले पढ़ा है हमने, स्क्वायर रूट से अपना स्क्वायर कट जाएगा और यह बनेगा वन अपॉन में कॉट थीटा। अब मुझे एक बात जल्दी से बता दो, क्या मैं वन अपॉन कॉट थीटा को टेन थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं भाई, वन अपॉन कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो बस मैं लिख सकता हूं, टेन से टेन कट गया बचा क्या थीटा, भाई थीटा की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा, तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसको और मॉडिफाई करके लिखना चाहते हो तो मैंने बता रखा है कि कॉसेक जो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के होता है। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर, कोई सा भी आंसर लिख दो, दोनों सही है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखो। हाँ जी, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर करा रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर सात। ये नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने, ठीक है। अब देखो, नोट कर लिया ना, ठीक है, फॉर्मूले के लिए जगह यहीं छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर सात देखो, सेवेंथ क्वेश्चन है, टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स और वन प्लस कॉस एक्स। अब तुम इसे रट्टा बोलो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि अब आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। क्यों, इस टाइप की जब भी कंडीशन दिख जाए, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं बोल रहा हूं, चाहे फिफ्थ चैप्टर की बात करूं, चाहे सेवंथ चैप्टर की बात करूं, किसी भी चैप्टर की, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, चाहे इनवर्स ट्रिगो हो, तीनों में जब भी इस तरह की कंडीशन देख जाए, बस बिना सोचे समझे आपको दो काम करने। क्या वो काम करना, ये देखो बच्चों, वन माइनस कॉस एक्स, हाँ जी, कहां बनता हुआ दिख रहा था, वन माइनस कॉस एक्स, देखो ये रहा, बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ। तो क्या मैं वन माइनस कॉस एक्स की जगह पे टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू पुट कर सकता हूं? अच्छा, अब जल्दी से बताना, अब इसको देखना जरा, इस वाले को वन प्लस कॉस एक्स बनाना ना मुझे, तो क्या मैं ये माइनस का वन उठा के यहां लाऊंगा तो कॉस टू थीटा प्लस वन बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बता दो, बनेगा। अरे अब वन आगे हो पीछे हो क्या फर्क पड़ता है, दोनों है तो प्लस के ही। अच्छा, अब यहां पे एक्स है यानी यहां पे टू थीटा है, तो अगर मैं यहां पे थीटा रख लूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू थीटा बाय टू, बस मेरे पास आ गया भाई फॉर्मूला, बात खत्म। तो बस हां जी, क्या करेंगे, नाउ सॉल्व करो इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है ना। हां जी, अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट करूंगा, टू साइन स्क्वायर, एक्स है तो एक्स बाय टू, ठीक है। अच्छा, वन प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट करूंगा, जल्दी बोलो, यहां भाई क्या हुआ, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, टू से टू खत्म, टेन इनवर्स अंडर रूट, हां जी जल्दी बताना, साइन और कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, हां कि ना, अब देखो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, हां जी स्क्वायर से रूट कट गया बचा क्या, टेन एक्स बाय टू, टेन इनवर्स से टेन कट गया बचा क्या, एक्स बाय टू, आंसर खत्म। ऐसे करना है तो बताओ, बस हमें किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद तो भाई आप खाट खड़ी कर दोगे यहां पे इसकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट है, ये आप खुद करना, खुद क्या करेंगे, चलो करा ही दूं क्या,
खास है नहीं इसमें, देख लो। चलो एट भी मैं ही करा देता हूँ, एट भी मैं ही करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेवन तो हो गया होगा, ठीक है, एट भी मैं ही करा देता हूँ। वैसे कुछ है नहीं, खास क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही नकली किस्म का क्वेश्चन है। ठीक है, ये देख लो। ये देखो क्वेश्चन नंबर एट, ये आपका टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये दिया हुआ है, कह रहा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। ठीक है, नकली क्वेश्चन। अरे काम करो, सबसे पहले क्या करो, इसको ना टेन जैसा बनाओ, इसको क्या करो टेन जैसा बनाओ, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, सबको कॉस से डिवाइड कर दो। अब जब इसको कॉस से कॉस डिवाइड करोगे वन आएगा, हाँ कि ना, इसको कॉस से डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, जल्दी बोलो, टेन एक्स। कॉस को कॉस से डिवाइड करोगे वन, प्लस साइन को कॉस से डिवाइड करोगे टेन। अब मुझे ना फॉर्मूला नजर आ रहा है, कहोगे कहां से नजर आ रहा है सर, आपको बहुत नजर आता है, तो भाई आ रहा है ना, देखो कहां से नजर आया, देखो। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, एक सिंपल सी बात बताना, क्या मैं इस टेन एक्स को वन मल्टीप्लाई में टेन एक्स लिख सकता हूं, बस इतना बता दो मुझे, लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं। रीजन, क्योंकि भाई किसी भी डिजिट को, किसी भी डिजिट को हम वन का मल्टीपल मान सकते हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, इधर देखो जरा, इधर देखो ध्यान से, क्या मैं वन को टेन के टर्म में टेन पाई बाय फोर लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, वन। ठीक है, अब देखना आपकी नजरों में ये, इस वन को वन ही रहने दो, इसको बना, इस वन को टेन पाई बाय फोर बना दो। ठीक है, अब देखना आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, किस चीज का फॉर्मूला होता है ये, जल्दी बोल दो, ये फॉर्मूला होता है भाई टेन ए माइनस बी का, किसका फॉर्मूला होता है, टेन ए माइनस बी का, टेन से टेन, आंसर पाई बाय फोर माइनस एक, हो गया। चार नंबर का क्वेश्चन है और फ्री फोकट का, बताओ था कुछ इसमें, बोलो जी, था कुछ इसमें, कुछ भी नहीं था इसमें, एक क्वेश्चन और देख लो। नाइन्थ में करा रहा हूं, टेंथ तुम खुद करना, ठीक है, नाइन्थ मैं करा रहा हूं, टेंथ तुम खुद करना। चलो नाइन्थ देखो, फिर भी टेंथ का मैं हिंट दे दूंगा। ठीक है, नाइन्थ में कह रहा है कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना। अभी एक बात बताओ, अब तक तो वन टू ये सब आ रहा था, लेकिन अब ए स्क्वायर आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हमें टेन बनाना है, तो मुझे साफ दिखा, मुझे तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया क्या करना है। अगर मैं यहाँ पे साइन पुट कर दूं एक्स की जगह पे, तो देखो ये साइन थीटा है, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन। लेकिन मैं खाली साइन थीटा पुट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अगर खाली साइन थीटा पुट करूंगा तो यहां वन थोड़ी आएगा, यहां तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स बराबर ए साइन थीटा, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर से फिर हमें ए का स्क्वायर मिलेगा। चलो ए साइन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, सिंपल। ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अच्छा टेन इनवर्स ए साइन थीटा, हाँ भाई ए स्क्वायर तो रूट से बाहर निकलेगा, ए अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया, ए से ए कट गया, बचा क्या, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये होता क्या है, टेन इनवर्स टेन थीटा, भैया टेन इनवर्स से टेन गया, बच गया थीटा। अब मुसीबत आएगी आपको यहां पे थीटा निकालने में, क्योंकि मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं, तो गलती नहीं करना, ध्यान से देखो बच्चों, ए इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन में ए बराबर साइन थीटा।
लेकिन हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो आप थीटा छोड़ो यहां, साइन लेकर जाओ वहां, तो क्या बनेगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, क्या बन जाएगा भाई, थीटा बराबर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत। तो इसी तरीके से 10th क्वेश्चन करना है, मैंने देख लिया है ठीक है, और 10th क्वेश्चन में आपको ए टेन थीटा पुट करना है, एक्स क्या पुट करना है, ए टेन थीटा, और वो आपका फॉर्मूला बनेगा ठीक है। तो बस 10th क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 2.2 खत्म करा के मिसलेनियस शुरू करूंगा ठीक है, 2.2 शुरू करा के मिसलेनियस खत्म करूंगा, मतलब ये मान लो अब हद से हद ये 1 से 1.5 क्लास का रह गया है ठीक है। इसके बाद मैं हाथों हाथ, मैंने जैसा कि आपसे बोला है, वादा किया है कि मैं एम एल अग्रवाल के भी क्वेश्चन इनके साथ ही लगा दूंगा ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना इसको करा के ठीक है। 1 क्लास में ये मान के चलो मैं मिसलेनियस खत्म करा दूंगा 1 से 1.5 क्लास में, और फिर मैं दो, कम से कम 2 क्लास आप लोगों को किसके भी दूंगा भाई, 2 क्लास मैं एम एल अग्रवाल के दूंगा, ताकि भाई कोई भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए इन्वेस्टिगो से तो आप सारे कर दो ठीक है। तो आज की क्लास को अच्छे से देखो समझो और भाई होमवर्क करो।